बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, कल हमने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर तक डिस्कस किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एटम्स का टॉपिक। एटम्स क्या कहते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब आपके पास कोई चीज हो, मैटर, जैसे आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो इसको आप तोड़ते जाएं, ब्रेक डाउन इसको करते जाएं, तो ये टूट के इसमें काफी सारे मालिक्यूल इकट्ठे हैं। आप मालिक्यूल को अलग अलग कर लेंगे, फिर मालिक्यूल को तोड़ते जाएंगे तो उसके अंदर एटम्स अलग अलग होते जाएंगे, तो एक छोटा पार्टिकल पे आप पहुंचेंगे जिसको आप मजीद जो है वो डिवाइड नहीं कर पाते, उसको हम एटम का नाम देते हैं। तो वहीं से ये डेफिनेशन बनाई हुई है कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मिल के आगे फिर एटम, उसको हम एटम कहते हैं। उससे फिर आगे एटमों के जुड़ने से मालिक्यूल बने होते हैं, और मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के जुड़ने से वो पूरी चीज जो मैटर है वो बनी हुई होती है। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर भी ये आपका जो मैटर है के अंदर मौजूद एटम जो है यही हिस्सा ले रहा होता है। यानी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो मालिक्यूल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस मालिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उन्हीं का आपस में रिएक्शन हो रहा होता है, जिससे हमारा आगे जो है वो प्रोडक्ट वगैरह बनती है। तो एटम्स हम कहते हैं कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा से छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। दूसरी इसकी खूबी ये है या प्रॉपर्टी के एटम्स जो है एक्सेप्ट नोबल गैस, नोबल गैसेस के अलावा, जैसे कल हमने बात की थी कि नोबल गैसेस जो है वो पीरियड टेबल के आखिरी ग्रुप के अंदर हैं, तो जो किसी के साथ बांड नहीं बनाते, बाकी सारे एटम्स मुख्तलिफ एटमों के साथ मिलके बांड बना रहे होते हैं। तो कहता है ये जो नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। नोबल गैसेस करती हैं, अकेली पाई जाती हैं, उनको किसी के साथ बांड बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाकी जितने भी एटम्स हैं वो अकेले नहीं पाए जा सकते कि उस शक्ल में वो स्टेबल नहीं, अपने आप को कायम नहीं रख सकते। तो जो भी चीज उनके साथ टच होगी उसके साथ वो रिएक्शन कर जाएंगे, तो इस वजह से वो फिर आप इंडिपेंडेंट तो रह नहीं सकते, किसी के साथ जुड़ के रहते हैं, अपने एटम के साथ या कुछ दूसरे एटमों के साथ जुड़ के रह रहे होते हैं उन। और एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन एच अकेला नहीं पाया जा सकता, या तो H2 की शक्ल में हो, दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ के इकट्ठे पाए जा रहे हो, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके जैसे ये H2O है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये बना दे और फिर भी वो पाया जा सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। देखो उसके बाद अगला पॉइंट है मॉलिक्यूल्स का। आपके सिलेबस के अंदर जो चीज मेंशन थी ना वो तो थी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मेंशन थे ना, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स मेंशन नहीं थे। जो आपका सिलेबस है ना उसमें आप देखें ना तो ये एटॉमिक थ्योरी मैटर के बाद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं, इसमें अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं है। लेकिन चूंकि एलिमेंट्स से वो पीछे चीज एटम्स का पता होगा तो एलिमेंट का अंदाजा होता है, इसलिए वो मेंशन की है। मतलब पेपर के हवाले से इसके सवाल जो है उसके चांस नहीं है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में से, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, क्योंकि उसमें पेपर में उन्होंने सिलेबस में आपके ये मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इसको जरूर करें जरूर, कोई पता नहीं है तो वो एमसीक्यूज में कुछ चीजें इनमें से भी पूछ ले। अच्छा ये बात होगी एटम्स की। अब मॉलिक्यूल क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो मिलके बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जो इंडिपेंडेंटली, यहाँ लिखता है ना डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो है वो अकेले नहीं रह पा रहे, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये अकेले रह रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद एटम जो है वो स्टेबल हो चुके हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेले रह सकते हैं, और शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर कंपाउंड, तो वो जिस एलिमेंट या जिस कंपाउंड के हैं हिस्सा उसकी सारी प्रॉपर्टीज को वो शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर आप ले लें, पानी ले लें, अब पानी के अंदर ये H2O के कई मॉलिक्यूल मौजूद हैं,
आप वो जो भी वाटर की प्रॉपर्टी आप देखते हैं, वो प्रॉपर्टी उस एक H2O के मॉलिक्यूल की भी वही प्रॉपर्टी है, और ओवरऑल पूरे वाटर की वो बाल्टी या जग जो भी आपके पास है उसकी भी वही प्रॉपर्टी है। तो यही कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है उस पूरे जो कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड है तो उसकी बात होगी, अगर वो एलिमेंट है तो उस एलिमेंट की बात होगी। जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट होता है वो H2, मॉलिक्यूल H2 है, एलिमेंट वो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन एलिमेंट की जितनी प्रॉपर्टीज है वो H2 शो करेगा। इसी तरह ऑक्सीजन एलिमेंट है और O2 उसका मॉलिक्यूल है। अब O2 जितनी प्रॉपर्टीज है उस ऑक्सीजन के एलिमेंट की वो शो कर रहा होगा। तो यही कहने का मतलब ये कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, और वो एलिमेंट के हैं या कंपाउंड जिसको भी वो शो कर रहे हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज को वो शो करते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन हैव सेम एटम्स आर डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स में एक जैसे एटम भी आपस में जुड़ सकते हैं और मुख्तलिफ भी जुड़ सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दी, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम आपस में जुड़ के O2 बनाते हैं, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक हो। और लेकिन जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ के H2O बनाते हैं, ये H2O जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक हो। तो मॉलिक्यूल्स में मुख्तलिफ एटम जो है वो भी जुड़ सकते हैं और एक जैसे एटम्स भी आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ये आपने पॉइंट जरूर याद रखना है, ये सेम और डिफरेंट वाला, क्योंकि कंपाउंड से जब हम बात करेंगे ना, तो कंपाउंड हम कहते हैं कि जब मुख्तलिफ एटम आपस में जुड़ते हैं, सेम एटम जुड़े तो वो मॉलिक्यूल ही है सिर्फ, वो कंपाउंड नहीं है। लेकिन डिफरेंट एटम अगर आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल तो है ही है, वो कंपाउंड भी है, ठीक हो। ये पॉइंट आपने, आगे भी आएगा वहां पे फिर इसको रिपीट करते हैं, इसलिए ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है, सेम हो या डिफरेंट हो एटम आपस में जुड़े हुए उसको मॉलिक्यूल कहते ही कहते। इसकी टाइप्स भी हैं, मोनोटॉमिक जैसे एक एटम वाला मॉलिक्यूल है, यानी वो मॉलिक्यूल से मुराद आपने कहा कि जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ये नोबल गैसेस सारे इंडिपेंडेंट आप ही हमने बात की एग्जिस्ट करते हैं, सारे एक एक एटम ही होता है, ये किसी के साथ जुड़ते नहीं है, तो इस वजह से हम कहते हैं ये मोनो अटोमिक है, एक एटम वाले, ठीक हो। फिर इस तरह डाई एटोमिक है, दो एटमों वाले मॉलिक्यूल है। फिर इस तरह ट्राई एटॉमिक, तीन एटमों वाला मॉलिक्यूल, ये दो दो एटम के साथ जुड़े हुए हैं, ये तीन एटमों वाले कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, या वाटर में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। इस तरह टेट्रा एटॉमिक, चार एटमों वाले, जैसे अमोनिया NH3 है, और इस तरह बहुत सारे एटमों वाले भी हैं जिसमें काफी सारे एटम जुड़े होते हैं, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। मैक्रो मतलब होता है ना लार्ज, तो मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल, जैसे ये स्टार्च है जिसमें ये C6H10O5 के, एन का मतलब 100,000, काफी सारे यानी इस तरह के आपस में जुड़े हुए। अच्छा, ये तो जनरल बात होगी एटम्स की और मॉलिक्यूल की, ये सिर्फ बेस के वाले से मैंने आपको बताया, सिलेबस में ये मेंशन वैसे नहीं। एलिमेंट ये आपका है मेंशन उधर, एलिमेंट क्या है कि मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कि वो मैटर की वो हिस्सा या वो वाला मैटर जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम पाए जा रहे हैं उसको एलिमेंट कहते हैं। जैसे आप एक लोहे का टुकड़ा ले लें, अब ये एक मैटर तो है कि उसका वजन भी है, उसकी जगह भी घेर है लोहे का टुकड़ा जो है, लेकिन उसके अंदर सारे जो लोहे के एटम मौजूद हैं वो एक जैसे हैं, तो ये मैं कहूँगा कि ये आयरन का एलिमेंट है, ठीक हो। इसी तरह ये गोल्ड का टुकड़ा ले लें, सिल्वर ले लें, कॉपर ले लें, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे, कि इनके अंदर मौजूद एटम जो है वो एक जैसे हैं, ठीक हो। इसी तरह हाइड्रोजन गैस, ये तो सॉलिड फॉर्म की एग्जांपल होगी ना, इस तरह गैस में भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन गैस में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो हाइड्रोजन के एलिमेंट है या ऑक्सीजन का एलिमेंट कहलाएगा, ठीक हो। इस तरह लिक्विड में हमने पीछे अभी एग्जाम्पल दी थी ब्रोमीन की, नहीं इसमें स्टेट्स हमने पढ़ी थी सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन एलिमेंट की नहीं दी एग्जाम्पल अभी। तो जैसे ब्रोमीन है ना, Br2, इधर शायद वो इसमें ब्रोमीन का एलिमेंट है Br, ब्रोमीन Br सिंबल है उसका, तो उसका वो मॉलिक्यूल होता है Br2, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक हो। अब वो लिक्विड फॉर्म में, या मरकरी आपने सुना हुआ है जो थर्मामीटर में होती है, वो भी लिक्विड होती है, ठीक हो। तो मरकरी ले लें, उसमें ये HG ये लिखा हुआ है, मरकरी HG जो है,
देखो, तो ये सिल्वर सॉरी मरकरी जो Hg है, ये एलिमेंट हो गया, कि उसके अंदर मौजूद सारे इसी एक ही जैसे एटम है। इस तरह ब्रोमीन जो लिक्विड है, उसके अंदर मौजूद भी एटम सारे एक ही जैसे। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखने वाला ये है कि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है। ये मुख्तलिफ ना सिंबल दिए हैं ताकि आपको जहन नशी हो जाए, याद हो जाए कुछ ना कुछ, क्योंकि आगे हमारे फार्मूले वगैरह भी आने हैं। फार्मूले लिखने का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो ये सिंबल आपने जरूर याद करने, ताकि आपको वहां पे वो आसानी हो, मुश्किल ना हो। अच्छा, इसके बाद अगली पॉइंट जो खूबी है इसकी, प्रॉपर्टी लिखी है एलिमेंट्स की, के कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस, के एलिमेंट को आप मजीद तोड़ के और छोटी फॉर्म में नहीं ले जा सकते। वो पहले ही एटम है, तो एटम को आप मजीद सिंपल केमिकल प्रोसेस से तो हम ये नहीं कर सकते। लेकिन वैसे तो अब ये पता चल चुका है कि जो एक एटम है ना, वो भी आखिरी नहीं है, उसको भी मजीद तोड़ के उसके अंदर से, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, वो 100 के करीब पार्टिकल्स हैं जो एक एटम में से निकलते हैं। ठीक हो, तो इसका मतलब ये कि भी एटम जो है वो भी आखिरी नहीं है, उसको अगर आगे मजीद जाया जा सकता है, लेकिन सिंपल मेथड, सिंपल केमिकल प्रोसेस से हम एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते। इस वक्त 109 एलिमेंट्स हमें पता है, और जिनमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, और बाकी जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो प्रिपेयर है। आर्टिफिशियली मतलब वो केमिकल रिएक्शन कर रहे थे तो उसके अंदर वो प्रिपेयर हो गए, या इसमें आप ये केमिकल रिएक्शन सिंपल नहीं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि तो एक एटम जो है ना, एक एटम की जो पहचान है वो उसके न्यूक्लियस से पहचान होती है, कि न्यूक्लियस के अंदर कितने उसके पास वहाँ प्रोटॉन है, कितने उसके वहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो इसको देख के एटम की पहचान होती है। जब वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तादाद कम ज्यादा होती है, प्रोटॉन की खसूसन, तो वो एलिमेंट एटम जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं, वो रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस टूटता है या बनता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर पे जब न्यूक्लियस टूटता है या बनता है, तो उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद चेंज हो जाती है, तो नए एलिमेंट पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि टोटल तो 109 है, जिनमें से 92 नेचुरल है जो कुदरती पाए जाते हैं, और बाकी जो है वो आर्टिफिशियली इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बने हुए हैं। एलिमेंट जो है वो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की में एग्जिस्ट करता है, जिसमें आयरन है, मरकरी है और ऑक्सीजन। जैसे मिसाल दे रहा, सॉलिड में भी होता है एलिमेंट जैसे आयरन है, लिक्विड फॉर्म में भी है जैसे मरकरी या ब्रोमीन आपको बताया, गैस की फॉर्म में भी है जैसे ऑक्सीजन। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की मुख्तलिफ जो क्लासेस है यानी टाइप्स उसकी, तो उसमें दो हमारी कैटेगरी आती है, एक मेटल्स की आती है और एक नॉन मेटल्स की आती है। मेटल जो हमारे पास है वो 70% एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं, और वो सॉलिड्स भी हैं सिवाय मरकरी के जो लिक्विड होता है, बाकी सारी मेटल जो है वो सॉलिड ही हैं, और आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो यही है। इसको अगर मैं शो कर लेते हैं, ये पीरियडिक टेबल है, इसमें हम देखें ना, तो जैसे मैंने ये सिंबल दिया है मेटल्स का ना, ये लाइट ब्लू कलर में ना, ये कौन जहाँ मेरा आपको कर्सर नजर आ रहा है, मेटल्स लिखा हुआ है लाइट ब्लू। तो ये देखें, ये सारा ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी ये सारा हिस्सा ये सारा मेटल्स वाला, ये सारा मेटल। ये जो ग्रे से कलर में आ रहा है ये मेटलाइड है। मेटलाइड हम कहते हैं जो कुछ मेटल की खसूसियात और कुछ नॉन मेटल की खसूसियात रखते हैं, और ये जो डार्क ब्लू कलर में ये सारी नॉन मेटल है, और ये जो नोबल गैसेस है जो ब्लैक कलर में दिए, ये भी नॉन मेटल है। तो ये सारी कैटेगरी नॉन मेटल में आ गई, ये मेटलाइट टाइप, और ये बाकी सारी मेटल्स में आ गई। ठीक हो, ये जो नीचे है लेंथर डार्क ब्लू कलर में दिए, ये भी मेटल्स की कैटेगरी में आ गए। तो मतलब ये कि ओवरऑल हमारे पास
प्रेडिक्टेबल है, जितने एलिमेंट्स हैं उसमें ज्यादातर जो है वो मेटल्स हैं, ठीक है, बाकी जो है वो नॉन मेटल्स हैं जो बहुत थोड़ी हैं। इसलिए उसने यहाँ जुमला लिखा है कि हमारे पास, और यार ये अच्छा, इसे उसने लिखा है कि 70% एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं और सॉलिड्स हैं, सिवाय मरकरी के जो लिक्विड फॉर्म। ऑल मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी की सारी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, लाइक शाइनिंग होती है, मोल्डिंग, उनको मोड़ा जा सकता है, कंडक्टिविटी, उनमें से करंट या हीट वगैरह गुजर जाती है, ये सारी प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी मिलती जुलती है, केमिकल में फर्क होता है। कॉमन मेटल जो है उसमें ये एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मरकरी है, सिल्वर है, सोडियम है, जिंक है, एक्सेट्रा। ये सिर्फ सिंबल मैंने लिखे हैं इसकी जगह बचाने के लिए, लेकिन आपने इनके नाम वगैरह भी आपको पता होगा, ये काफी सारी दे दी आप, एक दो एग्जांपल भी बहुत है यहाँ। नॉन मेटल्स, अब वो जो दूसरा हिस्सा आपको बताया जो थोड़े हैं वो नॉन मेटल्स हैं। एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, मेटल्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको नॉन मेटल्स हम कहते हैं। और ये सॉलिड भी हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं, तीनों शक्लों में पाए जाते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है मेटल्स से, यानी ये शाइनी भी नहीं होते, ब्रिटल होते हैं। अगर ये सॉलिड फॉर्म में हैं, अब तो लिक्विड गैस में भी हैं, अगर जो सॉलिड फॉर्म में आप देखेंगे तो ब्रिटल मतलब आप उसको अगर थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो टूट जाएंगे। ये इधर था मोल्डिंग, ऊपर था मोल्डिंग, जोर लगाते हैं तो वो मुड़ जाती है, मोल्ड होती है, इतनी जल्दी टूटती नहीं, लेकिन ये जो है वो ब्रिटल है, जैसे थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे टूट जाएंगे। और नॉन कंडक्टर है, ये कंडक्टिविटी रखते थे मैटर, ये नॉन कंडक्टर है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास या हीट नहीं होती। कॉमन नॉन मेटल्स आपके पास कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है वगैरह वगैरह, ये सारे कॉमन नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने वाली जो चीज आपके जिम्मे है वो ये है, एक तो एलिमेंट की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, फिर एग्जाम्पल ये जर्नल तो हो गए, ये सिर्फ टेबल आपने नजर में रखना है ताकि कोई अगर पूछे जी सिल्वर का सिंबल तो आपको पता हो ए जी है, इस तरह ये कुछ यहाँ पे याद हो जाएंगे, कुछ आगे भी आ जाएंगे। ये वैसे तादाद वगैरह लिखी हुई है इनकी, ज्यादा वो एमसीक्यू के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हाँ, ये जुमला जरूर आपने याद रखना है कि एलिमेंट्स को हम मजीद सिंपल केमिकल प्रोसेस से नहीं तोड़ सकते। अच्छा, इसके साथ आप चाहे ऐड कर लेना अपने पास जो नोट्स है ना उनके अंदर, कि सिंपल केमिकल प्रोसेस जो है उसमें से तो नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन से हम एलिमेंट को तोड़ सकते, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बदल सकते। एलिमेंट्स के कितनी क्लासिफिकेशन है, दो आ गई, ये आपने याद रखना है, इसमें ये परसेंटेज वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि मेटल जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं जैसे ये है, और नॉन मेटल जो है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी सारी मुख्तलिफ, फिजिकल भी मुख्तलिफ, केमिकल भी मुख्तलिफ, ठीक हो गए। और ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है मेटल, और जो नॉन मेटल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की शक्ल में पाए जाते हैं, ये एमसीक्यू के हवाले से आपने, और एग्जाम्पल है दो दो, एक एक दो दो काफी है। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड, कि कंपाउंड क्या चीज होते हैं, तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो अ कंपाउंड इज फॉर्म, मतलब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक हो गए, केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो के साथ, ठीक हो गए, तो एक हमारे पास कंपाउंड जो है वो जनरेट हो जाता है, पैदा हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिए उसने, वाटर जो है वो कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में केमिकली जुड़े हुए हैं, केमिकली मतलब आपस में बांड बना के, इसको हम केमिकल बांड बोलते हैं, जिससे मुख्तलिफ एटम आपस में जुड़ते हैं। तो मुख्तलिफ एटम जब आपस में केमिकली बांड बना के एक सिंगल चीज बना देते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, अगर हम इनको अलग करना चाहें तो आसानी से नहीं होंगे, हो जरूर जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा सख्त कंडीशंस इनको चाहिए। मिसाल जैसे वाटर को तोड़ना है तो वो हजार
2000 डिग्री सी टेम्परेचर आप देंगे तो फिर ये टूटेगा आसानी से, ये नहीं टूटता। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड, के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं जब वो कंपाउंड, जैसे देखे ना इसी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया, हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन उनके मिलने से जो वाटर बना है वो लिक्विड है, ठीक हो गए। फिर आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद देती है, कोई चीज को जलाना हो तो ऑक्सीजन उसके लिए चाहिए, लेकिन पानी आप आग पे डाल दें तो आग बुझ जाती है। तो मतलब प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो गई कि जब आप एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना लेते हैं तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपने बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही होती, डिफरेंट होती, ठीक हो गई। तो ये सारी पॉइंट्स आपने याद रखने हैं एमसीक्यू वगैरह के हवाले से कि कंपाउंड वो है जिसमें मुख्तलिफ L2 या मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ आप ऐड कर लेना डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो, उसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक हो। और एलिमेंट जो कंपाउंड में होते हैं वो आसानी से सेपरेट नहीं होते, और एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की वो बदल जाती है, कंपाउंड की मुख्तलिफ होती है, एलिमेंट की मुख्तलिफ होती है, ठीक हो। तीसरा पॉइंट हमारे पास है जी मिक्सचर का, ये भी आपके है मेंशन है सिलेबस में, मिक्सर और सॉल्यूशन जो है ना, तो ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जरूर देखना आपने कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन सच अ वे दैट नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में इस तरह जुड़े कि कोई केमिकल चेंज तो ना हो, बस उनको इकट्ठा कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, तो उसको हम मिक्सर बोलते हैं। मतलब दोनों चीजें वहां मौजूद है लेकिन इकट्ठी मौजूद है, मिसाल के तौर पर जैसे नमक और रेत है, नमक लें और रेत है, इनको आप मिक्स कर दें, दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों में कोई रिएक्शन ही होगा। अगर आप देखेंगे तो आपको व्हाइट व्हाइट नमक भी नजर आ रहा होगा, आपको वो ब्राउन ग्रे कलर की जो है वो रेत भी नजर आ रही होगी, तो यानी दोनों चीजें वहां मौजूद है लेकिन मिक्स है, इकट्ठी की हुई, इसको मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। उनमें केमिकल रिएक्शन कोई नहीं हुआ, बस सिंपल एक दूसरे के साथ वो इकट्ठी मौजूद है। इस तरह की जो भी दो या दो से ज्यादा चीजों को आप इकट्ठा कर दें तो उसको हम मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर की क्या खसूसियात है कि मैट्स और पार्ट्स ऑफ अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड, कि आप जो उसके अंदर मिक्सर के पार्ट्स हैं मुख्तलिफ, उसको आप बड़ी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना पड़ेगा, बड़ी आसानी से आसान से मेथड से एक आध स्टेप में आप उसको अलग कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है, ईच पार्ट कीप्स इट्स ओन प्रॉपर्टीज, हर पार्ट अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रहा होता है जो भी उसकी होती है, इस वजह से वो फिर उन प्रॉपर्टीज की यूज करके उनको इस्तेमाल करके हम उनको अलग कर लेते हैं। जैसे एक मिसाल इसने दी है कि मिक्सचर ऑफ आयरन पीसेज एंड सैंड, रेत और आयरन के टुकड़ों को अगर आप मिक्स कर दें तो एक मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन अगर आप मैग्नेट करीब लेके आएंगे तो मैग्नेट की वजह से आयरन के सारे टुकड़े मैग्नेट के साथ चिमट जाएंगे, रेत अलग हो जाएगी, मैग्नेट अलग हो, और जो आयरन के टुकड़े हैं वो मैग्नेट की वजह से अलग हो जाएंगे। तो ये भी बड़ी आसानी से आपने सिर्फ मैग्नेट करीब लाए और वो अलग हो गए, तो ये बड़ी इजिली सेपरेट हो जाए, कुछ ज्यादा टेम्परेचर को ये चीजें वगैरह को गर्म शर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा मिक्सर की एग्जाम्पलें हैं जैसे एयर है, एयर आपको पता है एक हवा नहीं है, एयर के अंदर काफी सारे जो है ना वो मालिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है इसके अंदर, आपको पता है नाइट्रोजन भी मौजूद है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है जो हम सांस से निकाल रहे हैं, इसके अलावा इसके अंदर और ये नोबल गैसेस में भी कुछ परसेंटेजेस मौजूद है, तो ये सारी मिला के पूरी एयर बनी हुई है। तो एयर के अंदर चूंकि मुख्तलिफ गैसेज इकट्ठी मौजूद है इसलिए हम इनको मिक्सर कहते हैं, और हर गैस की प्रॉपर्टी जो है वो कायम है, जैसे कोई भी चीज आप जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद है वो उसके साथ रिएक्शन करके उसको जला देती है, ठीक हो गए। तो यानी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जो जलाने वाली है वो खत्म नहीं हुई है, बाकी गैसें चाहे साथ मौजूद भी हैं वो प्रॉपर्टीज उसकी कायम है। इस तरह सैलड, सैलड में आप काफी सारी सब्जियां और फ्रूट शूट को मिक्स कर लेते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं होता। डिफरेंट बटन, मुख्तलिफ बटन आप लेके उनको इकट्ठा कर ले तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक हो। तो ये एग्जाम्पल इसकी, एक और मिसाल जिसकी मैं दे सकता हूँ, जैसे आप नमक और रेत को इकट्ठा कर दें तो वो भी एक मिक्सर बनेगा, लेकिन आपको पता है पानी डालें तो नमक तो पानी में हल हो जाता है, रेत नहीं होती, ठीक हो गए। तो
आप बड़ी आसानी से पानी डाल के नमक को पानी में हल करके अलग कर लेंगे और रेत जो है वो आपकी अलग हो जाएगी, यानी नमक और रेत बड़ी आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म अपेयरेंस थ्रू आउट। एक जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, अब ये मिक्सचर की दो किस्में हैं, एक होमोजीनियस है एक हेटरोजीनियस है। होमोजीनियस वो है कि जिसकी यूनिफॉर्म अपेयरेंस है थ्रू आउट, उसके पूरे बॉडी के अंदर हर जगह एक जैसी अपेयरेंस आपको नजर आ रही होती है, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर चीनी को या नमक को आप पानी में हल कर लें, तो जब नमक पानी में हल हो जाता है तो सारा पानी एक जैसा नजर आ रहा है, या चीनी हल हो जाती है तो सारा पानी एक जैसा नजर आ रहा है, आपको चीनी अलग और पानी अलग नजर नहीं आ रहे होते, सारा एक जैसे नजर आ रहा होता है, पूरा का पूरा सोल्यूशन। तो इस तरह के मिक्सचर को हम नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का, ठीक हो। और हेटरोजीनियस वो होता है कि जिसमें सारे का सारा एक जैसा नजर नहीं आता, मुख्तलिफ वजह से ऑयल को पानी में मिक्स कर दें तो मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि ऑयल जो है वो आप उसको दोनों को मिक्स करके हिलाएंगे तो वो थोड़ी देर आपस में गड़बड़ होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आपको पता है ऑयल जो है वो पानी के ऊपर आ जाता है, पानी नीचे हो जाता है, तो यही दोनों अलग अलग हो जाते। तो आपको पूरे का पूरा जो मिक्सर है वो एक जैसा नजर नहीं आता, किसी जगह ऑयल के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, किसी जगह नहीं आएंगे, तो इस वजह से ऐसे मिक्सर को हम नाम देते हैं हेटरोजीनियस। या इसी तरह एक मिसाल और, जैसे जेली है, जेली को आप पानी में डाल के अच्छी तरह हिलाएं शेक करें, जेली टूट के छोटे टुकड़े हो जाएंगे, पानी में फैल जाएगी, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा किसी जगह पानी है और किसी जगह जो है वो जेली है और किसी जगह जेली नहीं है, ठीक हो। तो इस तरह यानी जिन चीजों में हम इस तरह वो फर्क कर सकते हो वो हेटरोजीनियस हो गया, और जिसमें ना कर सके सारा एक जैसे हो वो होमोजीनियस हो गया। ठीक हो गए, चले यहाँ तक हाइड्रोजनस तक का क्लोज करते हैं। तो कल इंशाल्लाह आपकी है क्लास भी उसमें कॉलेज में, तो 5वें लेक्चर में फिर इंशाल्लाह यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग जो है ना नोट्स अपने जो है वो लेते आइएगा प्रिंट करवा के, तो फिर इंशाल्लाह उसी के ऊपर हम आगे मूव करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि आपका ये जो चैप्टर्स हैं ये सिलेबस सारा कवर हो जाए।